पर्यटन विभाग ने बांसवाड़ा को पर्यटन मॉनसून डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू की है। इसके लिए विभाग की ओर से जाने माने ब्लॉगर्स की मदद ली जा रही है। ये ब्लॉगर्स बांसवाड़ा की पहाड़ियों और विभिन्न प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की खूबसूरती को वीडियो शूट के माध्यम से संकलन कर यहाँ के पर्यटन प्रमोशन में मदद करेंगे। बांसवाड़ा के प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत इन ब्लॉगर्स का कहना है कि ये स्थान भारत का स्कॉटलैंड है। राजस्थान द्वारा एक अनूठी पहल की गई है जिसके अंदर माई ट्रिप टू राजस्थान इस अभियान के तहत देश के जाने माने ब्लॉगर्स को यहाँ उदयपुर, राजसमंद और बांसवाड़ा की मॉनसून डेस्टिनेशंस को शूट करके और उनको प्रमोट करने का जिम्मा दिया गया है। तो यहाँ से जो ब्लॉगर्स आए हैं वो काफ़ी उनकी ब्रांड फॉलोइंग है, तो इसका ये बेनिफिट होगा कि जो भी यहाँ पे डेस्टिनेशंस हैं, जो चाहे पॉपुलर डेस्टिनेशंस हो चाहे रिमोट डेस्टिनेशंस हो, इन सब की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और जो मॉनसून सीज़न है उसको हम एक टूरिज्म सीज़न के में कन्वर्ट कर सकेंगे। और ये जो इनिशिएटिव है राजस्थान टूरिज्म का कि लोगों को वो जगहें दिखाएं जो उन्होंने देखी नहीं, और जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जो है जगहें हैं उनसे ज़्यादा अच्छी जगहें अगर हम आपको इंडिया में ही दिखाएं, और लोकल टूरिज्म को प्रमोट करने का इससे अच्छा तरीका कोई हो नहीं सकता। भारत की पहली सोलो फीमेल ट्रैवलर हूँ जिसने 4 साल में 2 लाख किलोमीटर की यात्राएं की हैं, और आज मैं ये कह सकती हूँ कि इतनी सारी यात्राओं के बावजूद भारत में इस जैसी अनोखी जगह नहीं है। बांसवाड़ा के जो 100 द्वीप हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि हम स्कॉटलैंड में आ गए। मैंने 70 से ज़्यादा देश घूमे हुए हैं और लगभग पूरा का पूरा भारत घूमा हुआ है। राजस्थान मेरा स्पेशली बहुत ही पसंदीदा एक स्टेट है और मैं ऑलमोस्ट हर साल यहाँ पर आती हूँ। उदयपुर बहुत बार आई हुई हूँ बट बांसवाड़ा पहली बार आई हूँ, और मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना खूबसूरत लगा है। कल हम चाचाकोटा गए थे, इतनी खूबसूरत जगह है वो, इतनी खूबसूरत जगह है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। मतलब मैं दुनिया भर घूम चुकी हूँ, मैं ऑलमोस्ट 24 देश घूम चुकी हूँ, बट ट्रस्ट मी ये जगह जो है वो किसी भी जगह से कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है। बांसवाड़ा एक ऐसी जगह है जिसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं था। ये पहली बार है जहाँ पे मुझे मौका मिला बांसवाड़ा एक्सप्लोर करने का, एंड मैं बता नहीं सकती अपने शब्दों में कि इतनी खूबसूरत जगह है। मेरा जो होम टाउन है वो शिलोंग है, मेघालय, तो मैं शिलोंग में मैंने ऐसे पहाड़ देखे हैं, और कल जब मैं बांसवाड़ा आई मैंने अपने आप को मतलब यू नो इमेजिन किया कि ये तो शिलोंग ही है मेरे लिए।